हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी गार्डनर दोस्त प्रभा। आज मैं आपको एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर दिखाऊंगी जिसको आप जून जुलाई में ग्रो कर सकते हो। और अभी नवंबर चल रहा है तो अभी भी आप इसके सीड्स अगर डाल दोगे तो ये आपको फ्लावर देना स्टार्ट कर देगा मार्च तक। तो अगर आपको ग्रो करना है तो आप कर सकते हो, इसके आप सीड्स लेकर आ सकते हो नर्सरी से। और अगर आप एक बार इसके सीड्स ले आए तो ये आपके गार्डन में हमेशा ही बना रहेगा। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा दिखने वाला प्लांट, इसका नाम है सिलोशिया, मुर्गा कलगी भी इसे बोलते हैं और इसको कॉक्सपॉन भी बोलते हैं। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है, कितना ब्यूटीफुल ये लगता है, देखिए इसका फ्लावर। और ये एक ऐसा प्लांट है जिसके कि फ्लावर 3-3 महीने तक ऐसे के ऐसे बना रहते हैं। और ये अभी और बड़ा होगा, ये भाई छोटा है अभी, देखिए अभी ये बहुत बड़ा होता है, कम से कम ये मेरे हाथ से इतना बड़ा हो जाएगा। और ये दिखने में इतना ब्यूटीफुल लगता है और आपके गार्डन की शोभा को ये बहुत बढ़ा देता है। इसका देखिए कलर कितने डार्क होते हैं। और इसके आजकल तो बहुत सारे कलर में आने लगा है, ऑरेंज भी आता है इसमें और लाइट येलो भी आता है और एक ये कलर है और एक रेड कलर भी आता है। तो इसके सारे कलर ही बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। और इसके आकार में भी थोड़ा सा परिवर्तन होता है, जो दूसरे होते हैं उनका आकार थोड़ा चेंज होता है। और ये दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। और देखिए इनकी केयर ना के बराबर होती है, आप इसे किसी भी मिट्टी में ग्रो कर दोगे तो ये इजीली ग्रो हो जाते हैं, इनके लिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये देखिए ये मेरे सीड्स जो हैं, जो मैंने ये पहले ग्रो किया था उसके सीड्स हर जगह गिर गए हैं, तो ये हर गमले में ग्रो हो चुका है। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। और 3 महीने तक ये फ्लावर आपका कहीं नहीं जाने वाला और आपको सीड्स भी देकर जाएगा, जो कि इसके सीड्स यहाँ पर होते हैं। देखिए यहाँ पर इसके सीड्स होते हैं, यहाँ पर ब्लैक ब्लैक हो जाएगा और ये थोड़ा मोटा हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर ब्लैक ब्लैक सीड्स होंगे। तो आप उसको ऐसे हाथ से झाड़ोगे तो वो आपके हाथ में गिर जाएंगे, तो आप उनको ग्रो कर सकते हो। और इसके जो राई होती है उसकी जैसे इसके सीड्स होते हैं, सेम वैसे ही दिखते हैं जैसे एक राई होती है। तो आप इसको एक बार अगर ले आओगे अपने गार्डन में तो ये आपके गार्डन से जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है और आपके गार्डन की शोभा को भी बहुत बढ़ाता है। देखिए और ये छोटे से छोटे पॉट में भी हो जाता है। देखिए मैंने कितने छोटे से पॉट में ग्रो किया है, मैंने भी नहीं ग्रो किया, ये इसमें सीड्स गिर गए होंगे तो ये इसमें ग्रो हो गया, तो मैंने इसको निकाला नहीं। तो देखिए ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये देखिए और इसके मेरे पास 7-8 प्लांट हैं और भी हैं, तो अभी मैं इतना ही दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल लगता है और ये कितना ब्यूटीफुल है और कितना बड़ा फ्लावर है। देखिए तो आप भी इसके सीड्स लाइए और ग्रो कीजिए और अपने गार्डन की शोभा को बढ़ाइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय।